हाय गाइस, माय नेम इज मानसी आनंद। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यूजीसी नेट की क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को ब्रीफली कवर कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स इज अ कॉमन सब्जेक्ट बिटवीन यूजीसी नेट कॉमर्स एंड यूजीसी नेट मैनेजमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। सो गाइस, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे, उन सबको हम अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड यहाँ पर हम सिर्फ ब्रीफली उनकी बात करने वाले हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। एंड अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में थोड़ा सा डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन रेफर टू आवर डिटेल्ड वीडियोस। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड विद द लेक्चर। स्टैटिस्टिक्स कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस स्टेटस, और स्टैटिस्टिक्स इज एनीथिंग, कोई भी नंबर्स, फैक्ट्स या फिगर्स जो आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में या एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली कोई भी नंबर जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो या आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, दैट कैन बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स। और नाउ लेट्स सी कि स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, दे आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड। काफी सारे कॉजेज और फैक्टर्स स्टैटिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि स्टैटिस्टिक्स जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो, किसी ना किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, सो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और स्टैटिस्टिक्स हमें अलाउ करते हैं कंपैरिजन, ताकि हम एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सके। मूविंग अहेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। सो गाइस, ये जो थ्योरी पार्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए कि चीजें होती क्या है। तो जैसे कि आप फंक्शंस में देख सकते हैं कि एक डेफिनेट फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, हमें कंपैरिजंस अलाउ करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेन या फिर बेसिक ऑब्जेक्टिव कि हम कंपेयर कर पाए डेटा को या एनालिसिस को। जैसे कि आप एक कंट्री का जीडीपी दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं, एक ही कंट्री का ग्रोथ रेट एक प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से कंपेयर करते हैं, सो तब आपको पता चलता है कि ग्रोथ कितनी हुई है। सो आप देख सकते हैं कि कैसे स्टैटिस्टिक्स आपको कंपैरिजन अलाउ कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप रेट्स को एनालाइज कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स भी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती हैं वो स्टैटिस्टिक्स के बेस पर करती हैं। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी होते हैं, एंड किसी भी फिनोमिनन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी चीज को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स समझ आना काफी जरूरी है। तो अब आप देख सकते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। सो सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि चीज कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, बस उसके बारे में जो भी नंबर्स हैं या फिगर्स हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है। सो ऐसा हो सकता है कि मे बी अगर किसी कंट्री का जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल वहां का हैप्पीनेस इंडेक्स काफी हाई है, जैसे कि भूटान। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक क्वालिटेटिव इंडेक्स इग्नोर्ड है अगर हम सिर्फ जीडीपी के बेस पे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। तो इंडिविजुअल आइटम से डील नहीं करता, ज्यादातर एक मैक्रो इकोनॉमिकली या टोटालिटी में डेटा से डील करता है, इसलिए आप किसी भी फिनोमिनन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाते। सो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी किया जा सकता है, उन्हें मिसक्यू किया जा सकता है। जैसे रिसेंटली हमने देखा था कि इंडिया में भी ये एक कॉन्ट्रोवर्सी आई थी कि गवर्नमेंट जो है वो डेटा को या फिर स्टैटिस्टिक्स को टैम्पर कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से किसी इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के भी पेश कर सकते हैं। सो रिजल्ट्स जो है वो एवरेज होते हैं, हर इंडिविजुअल आइटम पे एप्लीकेबल नहीं होते, आप एवरेजेस या जनरलाइज कर सकते हैं कि एक जनरल चीज पे ही वो काम करेंगे। काफी बार एक प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो यूजर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस चीज को यूज करना है और किसे यूज नहीं करना है। तो आगे आप देख सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि एक डेटा में एवरेज वैल्यू कितनी है, या फिर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सारी वैल्यूज की सबसे क्लोज है या सारी वैल्यूज की डिविएशन उस पर्टिकुलर वैल्यू से सबसे कम है। तो बेसिकली आपको एक बर्ड्स आई व्यू देते हैं, जैसे कि अगर हम एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करते हैं और उसके बाद हम निकालते हैं कि उनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो वो जो एवरेज हाइट है वो हमें बता रहा है कि उस क्लास के सारे बच्चों की हाइट उस पर्टिकुलर एवरेज हाइट के आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि सबकी हाइट उतनी ही है जितनी आपको एवरेज ने बताई है, बट उसके आसपास है। सो आपको एक आइडिया मिल जाता है या अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है। तो एक गुड एवरेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पर आप उसके रिक्विजिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेजेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस। सो इन सबको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैथमेटिकल के अंदर आते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल एवरेजेस के अंदर आते हैं मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज और मोड। तो अब बात करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की। सो गाइस, अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट से हम सब काफी फेमिलियर हैं,
हम इसको काफी यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना काफी सिंपल होता है, आपको बस जितना भी डेटा आपको दिया गया है उन सबको ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। जैसे कि अभी हमने क्लास में स्टूडेंट्स के हाइट की बात की, अगर आप एवरेज हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सारे स्टूडेंट्स की हाइट को टोटल कर देंगे और उसके बाद जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हर बच्चे की हाइट कितनी है या ऐसा कौन सा एवरेज है जो सबकी हाइट के आसपास लाई करता है। तो अब आप इस अरिथमेटिक मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑल्दो थ्योरी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। बट द मेन पार्ट आपको ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज समझनी काफी जरूरी है और ये जो फॉर्मूलाज हैं आपको इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वन मार्क्स के क्वेश्चन में भी ज्यादातर छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिन्हें सॉल्व करना काफी सिंपल होता है, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वन मार्क्स में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज याद रखना जरूरी, जिससे आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अरिथमेटिक मीन से अगर आप सारी ऑब्जर्वेशंस की डिविएशन लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे x है, हमने x में से माइनस किया है अरिथमेटिक मीन को, सो x क्या है आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस, आप उसमें से अरिथमेटिक मीन को माइनस करेंगे तो आपके पास डिविएशन आ गई, और अगर आप इन डिविएशंस को सम करेंगे तो उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी जीरो। तभी मीन एक एवरेज होता है, क्योंकि सारी डिविएशन का अगर हम सम कर देते हैं तो वो जीरो हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बस उसे बस डिविएशन को एफ से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप इन डिविएशन को स्क्वायर कर देंगे तो ये जो डिविएशन हैं वो मिनिमम होती हैं अगर आप मीन से डिविएशन ले रहे हैं तो, और अगर आप डेटा सेट के हर ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट से तो मीन में भी ना ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाता है, और अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से तो आपका मीन भी उसी लेवल से मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास काफी सारे फॉर्मूलाज हैं मीन को कैलकुलेट करने के। सो आपको पेपर में जो आ सकते हैं वो काफी सिंपल फॉर्मूलाज ही होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला या फिर ये सेकेंड वाला, सो जिन्हें सॉल्व करना काफी ईजी है। शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड के आने के चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि इन्हें कैलकुलेट करना थोड़ा लेंदी होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कंबाइंड मीन की। अब ये कंबाइंड मीन क्या होता है, कंबाइंड मीन हमें बताता है कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम अगर क्लास की हाइट का ही एग्जांपल दोबारा लेते हैं, सो लेट्स से आपको क्लास 8 की हाइट का एवरेज दिया गया है और उधर से आपको क्लास 7 की स्टूडेंट्स की भी हाइट का एवरेज दिया गया है। अब आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों का एवरेज कितना है, मतलब 7th और 8th का मिला के एवरेज कितना है, तो आप कंबाइंड मीन को यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है गाइस, वेटेड मीन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं दूसरों से इन कंपैरिजन टू अदर्स। जैसे कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 3 सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सो लेट्स से आप सब्जेक्ट 1 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं और सब्जेक्ट 2 को कम और सब्जेक्ट 3 को भी कम, सो आप इन तीनों में स्टूडेंट ने जितने भी मार्क्स सिक्योर किए हैं उसे एक पर्टिकुलर वेट दे सकते हैं। लेट्स से मैं 40% वेटेज देना चाहती हूँ सब्जेक्ट 1 को, सब्जेक्ट 2 और 3 को 30-30%। तो मैं क्या करूंगी, मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को उनको जो पर्टिकुलर वेट असाइन हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी और उनका समिशन ले लूंगी और फिर उसे सम ऑफ वेट से डिवाइड कर दूंगी। सो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड आउट माई वेटेड मीन। मूविंग अहेड, अब आप यहाँ पर मेरिट्स और डीमेरिट्स देख सकते हैं मीन के। सो गाइस अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी एक तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी ही है या एक तरीके का मीन है। सो ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको सारे डेटा ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है और उन्हें रेस करना होता है टू द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उन्हें रेस करना होता है टू द पावर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जितना डेटा है आप उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उनका उतना रूट ले लीजिए। तो एक एंटीलॉग का फॉर्मूला भी होता है ज्योमेट्रिक मीन का। सो गाइस इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये आपको नेट जैसे एग्जाम्स में पूछा जाए, बट फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। सिंपल डेटा एलिमेंट्स आपको गिवन हो सकते हैं कि आप उन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और देन उनका रूट ले लीजिए। सो दिस फॉर्मूला माइट बी आस्क्ड और ये क्वेश्चंस में यूज हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग का। सो गाइस इसके भी चांसेस कम होते हैं बहुत पूछे जाने के, बिकॉज लॉग की कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है और उसमें लॉग टेबल को भी यूज करना होता है। बट मे बी अगर आपको वैल्यूज गिवन हो
हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए, सो इट्स बेटर यू हैव अ लुक एट इट। जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था कंबाइंड दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स का, उस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन भी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मैथमेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ज्योमेट्रिक मीन की। सो गाइज, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और उनका रेशियो गिवन है और आप उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं रेशियो का, सो दैट वुड बी इक्वल टू, अगर आप उन डेटा सेट्स उन वेरिएबल्स की ज्योमेट्रिक मीन पहले निकाले और उन ज्योमेट्रिक मीन्स का रेशियो निकाले। और सिमिलरली ऐसा प्रोडक्ट के केस में भी हो जाएगा। तो गाइज, स्पेसिफिक यूजेस ऑफ जीएम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि आपको एक सिचुएशन दी होगी, डिस्क्राइब कर देंगे कि आपके पास ये सिचुएशन है और इस केस में आप कौन सा मीन यूज करेंगे, बी इट अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। उसके लिए आपको यूजेस पता होने बहुत जरूरी है। सो जैसे अगर आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं इंडेक्स नंबर्स, तो वहां पे आप ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे। अगर कोई रेट देखना चाहते हैं, जैसे कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री या फिर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, उस केस में भी आप ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। जहां पर आप डील कर रहे हैं रेट्स, रेशियो या परसेंटेजेस के साथ, ज्योमेट्रिक मीन इन दोस केसेस इज मोर यूजफुल। अगर डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन की बात हो रही है या फिर वेट्स जो है वो ऑपोजिट असाइन करने हैं, जैसे कि लार्ज वेट देने हैं स्मॉल आइटम्स को और स्मॉल वेट देने हैं लार्ज आइटम्स, तो उस केस में भी आप ज्योमेट्रिक मीन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरिट्स और डीमेरिट्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज हार्मोनिक मीन की। अभी हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप सारी ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल कर दे और देन उनका अरिथमेटिक मीन ले ले और उसको फिर से रेसिप्रोकल कर दे, सो दैट वुड बी कॉल्ड योर हार्मोनिक मीन। आप फॉर्मूला में भी देख सकते हैं यही किया गया है, एक्स आई जो कि आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्हें सबसे पहले रेसिप्रोकल किया गया है और उसके बाद उन्हें एन से डिवाइड किया गया है, इन रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन निकाला हुआ है और उसको फिर से रेसिप्रोकल किया हुआ है, तो दैट इज हार्मोनिक मीन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो गाइज, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन की तरह हार्मोनिक मीन भी कंबाइंड निकाला जा सकता है, सो यहाँ पे फॉर्मूला है। और अगर आप वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो इनका एप्लीकेशन भी काफी सिमिलर है, जिस तरीके से हम कंबाइंड मीन और अरिथमेटिक मीन में करते हैं, आप हार्मोनिक मीन का भी उसी तरीके से कंबाइंड और वेटेड फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और अगर आप हार्मोनिक मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइज, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, कि अगर आप सेम डेटा सेट का अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं और हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं, सो उस केस में क्या होगा, उस केस में अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होगा। सो गाइस, इस रिलेशनशिप को आपको पूछा जा सकता है इन वेरियस फॉर्म्स, आपको सिचुएशन देके पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप मेरिट्स और डीमेरिट्स देख सकते हैं हार्मोनिक मीन के। सो गाइस, हार्मोनिक मीन जो है वो ज्यादातर यूज होता है स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपको दिया होता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन इतना टाइम लेता है या फिर इतनी स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, सो आपको स्पीड या उन टाइम का एवरेज निकालना है, सो उस केस में आप हार्मोनिक मीन को यूज कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस कॉस्ट एंड टाइम से एसोसिएटेड भी हो सकते हैं, वर्क एंड टाइम से एसोसिएटेड भी हो सकते हैं, सो यहाँ पे आप यूजेस देख सकते हैं हार्मोनिक मीन की, ये पहले भी यहाँ पर भी मेंशन है, सो यू कैन हैव अ लुक हियर। सो यूजेस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी बताया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और रिलेशनशिप है, कि अगर आप किसी भी डेटा सेट के अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। सो गाइज, अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम बात करेंगे मीडियन और मोड। सो गाइज, मीडियन क्या होता है, मीडियन आपको बताता है कि अगर आपके पास कोई भी डेटा सेट है तो उसकी मिडिल वैल्यू क्या है, या अगर आपके डेटा सेट में सबसे बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, दैट इज योर मीडियन। सो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए अलग और ग्रुप डेटा के लिए अलग। सो इंडिविजुअल सीरीज के लिए इट्स वेरी सिंपल, आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उसमें 1 को ऐड कीजिए और उसके बाद उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो टर्म आएगी वो आपका मीडियन होगा। गाइज, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आंसर आपके पास n प्लस 1/2 को निकाल के आएगा वो आपका मीडियन नहीं है, उस नंबर की टर्म आपका मीडियन है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। पर ग्रुप डेटा के केस में ऐसा नहीं होता, ग्रुप डेटा के केस में जो इस फॉर्मूला को सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका मीडियन होगा। तो आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं,
हम इन एग्जाम्पल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल वीडियोस में कि किस तरीके से ये आपको पांच ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं. हमने पांच में वन प्लस किया, टू से डिवाइड किया तो आया थ्री. बट थ्री इज नॉट योर मीडियन, थर्ड टर्म इज योर मीडियन. तो थर्ड टर्म कौन सी आ जाती है गाइज? एट. सो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो टेन गिवन है. सो गाइज यहाँ पर एक कैच है कि मीडियन निकालने से पहले आपको डेटा को हमेशा एक ऑर्डर में लगाना होता है, बीट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है और फिर इसका आंसर निकाला हुआ है. सो सेम गोज फॉर इवन नंबर्स. अगर आपके पास छह आइटम्स हैं तो आप क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास आ गया 3.5 टर्म. अब आप इस 3.5 टर्म को कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस? आप थर्ड टर्म लेंगे और फोर्थ टर्म लेंगे और उनका एवरेज निकाल देंगे. जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी योर मीडियन. तो अगर आपको मीडियन समझ में आ गया है तो आप क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स को काफी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जिस तरीके से मीडियन आपको मिडिल वैल्यू बताता है किसी भी डेटा सीरीज की, क्वार्टाइल्स आपको तीन वैल्यूज बताते हैं और आपके डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. सो बेसिकली ये एक मीडियन है जिसने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो इक्वल पार्ट में डेटा को. अब जो क्वार्टाइल है, तो ये जो Q1 है वो लोअर हाफ ऑफ डेटा का मीडियन है और ये जो Q3 है वो अपर हाफ ऑफ डेटा का मीडियन है. और ये जो Q2 है that is already equal to your median क्योंकि डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पर आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करने के लिए. सो दीज फॉर्मूलाज आर क्वाइट सिंपल टू द फॉर्मूलाज ऑफ मीडियन. सो दीज फॉर्मूलाज आर क्वाइट सिमिलर टू द फॉर्मूलाज ऑफ मीडियन. अगर आपको मीडियन समझ में आ जाएगा तो आप इनको तो इजीली सॉल्व कर ही लेंगे. सिमिलरली गाइज अब बात करते हैं डेसाइल्स की. सो अब ये जो डेसाइल्स होते हैं, डेसाइल्स डिवाइड करते हैं डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में. सो हमारे पास 9 डेसाइल्स होते हैं रेंजिंग फ्रॉम D1 टू D9 जो कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं आपके डेटा को. नाउ सेम गोज फॉर परसेंटाइल. परसेंटाइल डिवाइड करता है आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में. आपके पास P1 से लेके P99 तक ऐसी 99 परसेंटाइल्स होते हैं जो कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है डेटा को. तो गाइज यहाँ पर आप मीडियन के और क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स के मेरिट्स डीमेरिट्स देख सकते हैं. तो गाइज डेसाइल्स और परसेंटाइल का फॉर्मूला भी सिमिलर होता है बिल्कुल मीडियन और क्वार्टाइल के फॉर्मूला को. तो यहाँ पर आप क्वार्टाइल निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, डेसाइल के केस में आप 10 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटाइल के केस में आप 100 से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर जैसे थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए सेम गोज हियर, आप थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए 3/4 ले रहे हैं. तो अगर आप डेसाइल निकालना चाहते हैं तो जिस नंबर का डेसाइल निकालना चाहते हैं वो 3 की जगह आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा. सेम गोज फॉर परसेंटाइल्स. तो यहाँ भी आप उसी तरीके से फॉर्मूलाज में चेंजेस कर सकते हैं. गाइस अब बात करते हैं मोड की. मोड क्या होता है? मोड को कैलकुलेट करना काफी आसान है फॉर इंडिविजुअल सीरीज. तो मोड को कैलकुलेट करना काफी सिंपल है. जो भी टर्म सबसे ज्यादा बार आ रही है वो आपका मोड होगा. जो अपने आप को सबसे ज्यादा रिपीट करती है दैट इज योर मोड. और अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली मोड वो फिगर होती है जो सबसे ज्यादा अकर करती है आपकी डेटा सीरीज में या उसके आसपास वैल्यूज जो है वो हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड होती है. सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड. और यहाँ पे आप उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख सकते हैं. तो गाइस मेरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ना काफी जरूरी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के केस में. बिकॉज अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको इनके यूसेज का आइडिया लग जाएगा और आप थ्योरी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो गाइस दिस रिलेशनशिप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड इज इक्वल्स टू थ्राइज ऑफ मीडियन माइनस क्वाइज ऑफ मीन. सो इस पे बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. एक ना एक क्वेश्चन तो आपको दिख जाता है पेपर में. एंड दिस फॉर्मूला इज रियली सिंपल टू अप्लाई. तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. दो वैल्यूज दी होंगी और एक मिसिंग होगी, आपको थर्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. सो गाइज अब बात करेंगे डिस्पर्जन के मेजर्स की. तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पर्जन के दो मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर. एब्सोल्यूट मेजर के अंदर ये सारे आते हैं और रिलेटिव के अंदर ये सारे आते हैं. अब हम एक एक करके इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं. गाइज रेंज का फॉर्मूला होता है कि आपको अपने डेटा सीरीज में से मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना होता है. वेरी सिंपल, आप सबसे बड़ी वैल्यू लीजिए और उसमें से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिए. और अगर आप रेंज का कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो आप इसके डिफरेंस को इसके सम से डिवाइड कर सकते हैं, देन यू विल गेट द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. यहाँ पर आपके पास मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं. सो गाइस ये जो सिंपल फॉर्मूलाज हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एंड दे आर वेरी इजी टू अप्लाई. सो इट्स बेटर कि आप इनको पढ़ के जाएं और आपको ये फॉर्मूलाज याद हो ताकि आप इन्हें अच्छे से यूज कर पाएं और इन सिंपल क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं. सो गाइस आप देख सकते हैं कैसे हम हर किसी के लिए एब्सोल्यूट मेजर भी पढ़ रहे हैं और एक रिलेटिव मेजर भी पढ़ रहे हैं. सो क्वार्टाइल डिविएशन की बात करेंगे. जो आप क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल में से आप फर्स्ट क्वार्टाइल को रिड्यूस कर दीजिए, यू विल गेट योर इंटर क्वार्टाइल रेंज.
और वहीं अगर आप सेमी क्वार्टाइल डिविएशन निकालना चाहते हैं तो आप इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास सेमी क्वार्टाइल डिविएशन आ जाएगी। आफ्टर दैट आप कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो जिस तरीके से हमने रेंज में किया था उसी तरीके से आप डिफरेंस को सम से डिवाइड कर सकते हैं, देन यू विल गेट योर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। और यू हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो गाइस अब बात करेंगे हम मीन डिविएशन की। अब मीन डिविएशन क्या होता है? मीन डिविएशन इज योर एवरेज डिविएशन, मतलब आपके पास जितनी भी डिविएशन है अगर आप उसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, यूजुअली हम मीन से करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी ऑब्जर्वेशंस में से आप मीन को माइनस करेंगे और फिर उस डिफरेंस का समेशन कर लेंगे और उसके बाद आप उसे एन से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एक एवरेज अमाउंट ऑफ डिविएशन आ जाएगा। तो अगर आपका डेटा जो है वो ग्रुप्ड है तो आप देख सकते हैं क्या होगा, आपको बस अपने डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सिंपली उसका एवरेज लेना है। तो ये तो गाइज हुआ मीन के केस में। अगर आप डिविएशन मीडियन से लेना चाहते हैं तो आप मीडियन को माइनस कर सकते हैं। और अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स निकालना चाहते हैं मीन, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली जिस भी सेंट्रल टेंडेंसी से आप डिविएशन ले रहे हैं, डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको उस मीन डिविएशन को उस पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी से डिवाइड कर दीजिए, राइट। सो हियर यू हैव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो गाइज अब बात करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन की। ये जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके एक तरीके से बेस कंसेप्ट है जो आगे जाके हायर लेवल स्टैटिस्टिक्स में हर जगह यूज होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम डिनोट करते हैं लेटर सिग्मा से, इसको हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं और इसका जो स्क्वायर होता है उसे हम वेरियंस बोलते हैं। तो गाइस अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप जो डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने डिविएशन को कैलकुलेट किया है एक्स ऑब्जर्वेशन में से, मीन को माइनस करके आप उस डिविएशन को स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करने के बाद उसे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो उसके बाद एट लास्ट इसका रूट कर दीजिए, देन यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डिविएशन। सो गाइस अगर आप किसी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं तो आपको एन से डिवाइड करना है, बट सैंपल के केस में अगर आपके पास कोई डेटा है जो किसी पॉपुलेशन का सैंपल है आप उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको n माइनस 1 से डिवाइड करना होगा। सो सेम गोज फॉर ग्रुप डेटा, आप देख सकते हैं आपने बस डी स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है, बाकी सारे स्टेप सेम है। वेरियंस के केस में आपको क्या करना है, आपको बस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करना है, मतलब रूट को हटा देना है। सो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला। और अगर आपको इसका रिलेटिव मेजर निकालना है दैट इज कोएफिशिएंट निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिविएशन ले रहे हैं वो मीन से ले रहे हैं। आप यहाँ पर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। सो गाइस कोई भी टर्म, कोई भी मेजर जो हम पढ़ रहे हैं उसके केस में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, इनपे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब अगर आप सारे ऑब्जर्वेशंस में कोई भी टर्म प्लस या माइनस करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, इट इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, मतलब अगर आप अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप मेरिट्स और डीमेरिट्स देख सकते हैं एंड हियर यू कैन हैव अ लुक एट द यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपको बता रखा है कि अगर किसी आपको रिलायबिलिटी कंप्यूट करनी है किसी डेटा की, स्कोर्स को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना है या स्टैंडर्ड स्कोर्स निकालने हैं या बेसिकली सिग्निफिकेंस टेस्ट करना चाहते हैं किसी भी दो स्टैटिस्टिक्स के बीच की, तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन यूज कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी के लिए काफी एक्यूरेट, रिलायबल और स्टेबल मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन। या फिर अगर आप चाहते हैं एक्सट्रीम डिविएशन को आप वेट दें तो उस केस आप ज्यादा वेट दें तो उस केस में भी आप स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर स्टैटिस्टिक्स, और आगे आप काफी स्टैटिस्टिक्स या मेजर्स निकालना चाहते हैं जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज होता है देन यू कैन यूज स्टैंडर्ड डिविएशन। या फिर वेरियंस कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं देन यू कैन आल्सो गो फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। अब बात करते हैं डिस्पर्जन का कोएफिशिएंट निकालने की। जब भी हमें वेरिएबिलिटी दो सीरीज की कंपेयर करनी होती है, जैसे आपको डेटा दिया हुआ है किसी भी बैट्समैन का कि एक बैट्समैन ने एक पर्टिकुलर मैचेस की सीरीज में कितने रन्स बनाए, तो बैट्समैन 1 का दिया हुआ है और इधर बैट्समैन 2 का डेटा दिया हुआ है, आपको रन्स दिए हुए हैं और बैट्समैन 2 के लिए भी दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा गया है इनमें से ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है, तो आप कैसे बताएंगे, आप कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन को यूज कर सकते हैं उस केस में। तो ये भी एक रिलेटिव मेजर है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड करना है मीन से अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन निकालना चाहते हैं।
वहीं अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना चाहते हैं तो दिस इज वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, आपको बस इस फॉर्मूला को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बेसिकली एक परसेंटेज आ जाएगी. सो गाइस, अब बात करेंगे हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की. तो स्क्यूनेस क्या होती है? स्क्यूनेस का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो सिमेट्रिकल नहीं है. मतलब अगर आप डेटा को प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पे तो एक बेल शेप कर्व ना आके थोड़ा टिल्टेड शेप आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ्स में देख सकते हैं. तो दैट इज योर स्क्यूनेस. लैक ऑफ सिमेट्री इज नोन एज स्क्यूनेस. तो जिस केस में मीन मीडियन मोड आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हैं वो सेम ना आके अलग अलग आते हैं, उस केस में हम कहते हैं कि स्क्यूनेस एग्जिस्ट करती है और डेटा जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है. जबकि अगर ये तीनों वैल्यूज सेम हो और आपका जो डेटा का ग्राफ है वो एक ऐसा बेल शेप कर्व बनता हो तो हम कहते हैं कि डेटा जो है वो सिमेट्रिकल है. तो स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है. अगर नेगेटिव स्क्यूनेस होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मीन सबसे छोटा, मीडियन उससे बड़ा, मोड सबसे बड़ा. और पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में ये ऑपोजिट हो जाता है. सो गाइज, ये रिलेशनशिप्स काफी इंपॉर्टेंट है. स्क्यूनेस की थ्योरी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनके बेस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आपको यहाँ पर भी एक और रिलेशनशिप दिया हुआ है. तो गाइस, जहाँ पर भी आपको रिलेशनशिप दिए हुए हैं आपको वहाँ पर खास ध्यान देना है, क्योंकि उनके बेस पर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और वो डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं. आप ग्राफ पर भी देख सकते हैं इन सब फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन. तो यहाँ पर आपको टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये तीनों इक्वल ना हो तो डेटा स्क्यूड है, और बेल शेप कर्व नहीं आती तो भी डेटा स्क्यूड है. और स्क्यूड डेटा में क्या होता है गाइस, क्वार्टाइल्स जो है वो इक्वली डिस्टेंट नहीं होते मीडियन से. जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्वार्टाइल्स प्लॉट करेंगे तो वो मीडियन से दूर इक्वली डिस्टेंस पे नहीं होते, एक पास होता है और एक ज्यादा दूर होता है. सिमिलरली डेसाइल्स और परसेंटाइल्स के केस में भी होता है कि ये जो एक्सट्रीम डिसाइल्स हैं ये इक्वली डिस्टेंस पे नहीं होते मीडियन से. दैट इज डिविएशंस का जो सम है अगर हम वो मीडियन से लेते हैं या फिर मोड से लेते हैं. गाइस, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर आप मीन से ली गई डिविएशंस का सम लेंगे तो उसका सम जीरो आएगा. यही डिविएशंस अगर आप मीडियन या मोड से लेते हैं तो उसके इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशंस का सम डिफरेंट आएगा नेगेटिव डिविएशंस में, जो कि सिमेट्रिकल डेटा के केस में सेम आता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए. और यहाँ पर भी आपको कुछ रिलेशनशिप्स दिए गए हैं, आपको बताया गया है किस केस में स्क्यूनेस पॉजिटिव होती है और किस केस में नेगेटिव. अगर मीन बड़ा है मोड से तो स्क्यूनेस पॉजिटिव होगी, और अगर ऑपोजिट सिचुएशन है तो स्क्यूनेस नेगेटिव होगी. तो स्क्यूनेस का ये एक एब्सोल्यूट मेजर है कि आप मीन में से मोड को माइनस कर दीजिए. स्क्यूनेस का जो रिलेटिव मेजर है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. अगर आप वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. आप अपने इस डिफरेंस को डिवाइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से. तो गाइस, ये बेसिकली कार्ल पियर्सन का दिया हुआ मेथड है. और यहाँ पे आपको एक और रिलेशनशिप दिया गया है, दैट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज थ्राइस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन. तो आप देख सकते हैं कार्ल पियर्सन ने गाइस एक और मेथड दिया है स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने का, जे को कैलकुलेट करने का. तो जे इज योर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. आप मीन में से मीडियन को रिड्यूस कीजिए, थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दीजिए. तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल रेंज बिटवीन -3 to +3. तो ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है. अब बात करते हैं बॉलीज मेजर की. तो बॉलीज मेजर काफी सिंपल है, आप देख सकते हैं या तो Q3 में से मीडियन को माइनस कर दीजिए या मीडियन में से Q1 को माइनस कर दीजिए. यहाँ पे आपको बताया हुआ है कब पॉजिटिवली स्क्यूड है डेटा और कब नेगेटिवली स्क्यूड है. तो अगर आप इसका भी रिलेटिव मेजर देखना चाहते हैं तो आप कोएफिशिएंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको क्या करना है, आपको इसमें से इसको रिड्यूस करना है और फिर इस डिफरेंस को इन दोनों टर्म के सम से डिवाइड कर देना है. देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला, बॉलीज रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस. तो ये जो कोएफिशिएंट है बाउली मेजर के अकॉर्डिंग वो आपको वैल्यू देगा बिटवीन -1 to +1. तो अब बात करते हैं कैली के मेजर की. कैली के मेजर में क्या होता है गाइस, आपको ये फॉर्मूलाज यूज करने होते हैं. ये आपको एब्सोल्यूट फॉर्मूला दिया गया है, कैली ने यूज किए हैं परसेंटाइल्स स्क्यूनेस को डिफाइन करने के लिए. तो आप देख सकते हैं कैसे पियर्सन के मेथड में आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज हो रहे हैं, बाउली के मेजर्स में क्वार्टाइल्स यूज हो रहे हैं और कैली के मेजर में परसेंटाइज यूज हो रहे हैं. एंड दिस इज द रिलेटिव फॉर्मूला. तो गाइज, एक बात जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि स्क्यूनेस की जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कंपेरेबल नहीं है आपस में. हो सकता है कि एक मेजर आपको कुछ और आंसर दे और दूसरा मेजर
कुछ और आंसर दे, सो डोंट एक्सपेक्ट कि इन सब के आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे। सो गाइज अब बात करेंगे कोरिलेशन की और रिग्रेशन की। सो कोरिलेशन क्या होता है गाइज? कोरिलेशन एक ऐसा टर्म है जो हमें ये बताता है कि किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जो कि एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, सो ऑब्वियसली बात है कि इट एक्सपेक्ट्स कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट उसकी सेल्स पे आएगा, राइट? सो बट इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर सेल्स को इतना स्ट्रांगली अफेक्ट करता है या नहीं करता है, ये हमें कौन बताता है? कोरिलेशन। या फिर द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी और आपके आने वाले टेस्ट स्कोर्स, डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? ये आपको कोरिलेशन बता सकता है। सो कोरिलेशन आपको हेल्प करता है ट्रैक करने में द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स। सो स्ट्रेंथ बताने के साथ साथ कोरिलेशन आपको वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी बताता है। सो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। सो क्या उन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या एक के चेंज होने से दूसरे पर क्या अफेक्ट होता है? अगर एक बढ़ रहा है तो क्या दूसरा कम हो रहा है, या दूसरा भी बढ़ रहा है? सो ये सब चीजें हम कोरिलेशन में पढ़ते हैं। सो कोरिलेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं आर से, और कोरिलेशन की वैल्यू लाई कर सकती है बिटवीन -1 एंड +1। सो आप देख सकते हैं हम कोरिलेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस। सो अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सो आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कि एक कोरिलेशन को पढ़ते टाइम हम कितने वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, उस बेस पर हमने ये वाला कैटेगराइजेशन किया है। सो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कोरिलेशन की। सिंपल कोरिलेशन में हम डील करते हैं बाईवेरिएट डेटा के साथ, दैट इज टू वेरिएबल्स के साथ, जैसे कि हमने बात किया अभी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स का, या फिर नंबर ऑफ आवर्स गिवन टू स्टडी एंड मार्क्स सिक्योर्ड इन टेस्ट। सो ये हुआ आपका सिंपल कोरिलेशन। अब हम बात करेंगे गाइज पार्शियल कोरिलेशन की। सो पार्शियल कोरिलेशन में गाइज हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, बट तीनों को एक साथ नहीं स्टडी करते, या तीन से ज्यादा अगर कर रहे हैं तो उन सबको एक साथ टुगेदर स्टडी नहीं करते हैं, हम उसमें से एट टाइम दो को स्टडी करते हैं। और जो आपका थर्ड वेरिएबल है या फिर रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स हैं, उसके अफेक्ट को हम रखते हैं कॉन्स्टेंट। जबकि मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में हम जितने वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं किसी का भी इफेक्ट कॉन्स्टेंट नहीं होता, सबके इफेक्ट को हम एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम पता करना चाहते हैं कि एक फार्मर जो अपनी लैंड पर राइस उगा रहा है उस पर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज्ड और रेनफॉल, इन दोनों का क्या इफेक्ट है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिपेंडेंट फैक्टर है और दो इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन की, कि क्या डायरेक्शन है कोरिलेशन का। पहले बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। सो गाइस पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स साथ में ही बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, जैसे कि नंबर्स ऑफ आवर्स यू स्टडी एंड मार्क्स सिक्योर्ड बाय यू। सो अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, और अगर आप कम आवर्स देंगे अपनी स्टडी को तो आपके मार्क्स कम आएंगे। सो आप देख रहे हैं कि कैसे एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है और एक के कम होने से दूसरा भी कम होता है। सो दिस इज नोन एज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब बात करेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप की। सो नेगेटिव रिलेशन किन दो चीजों के बीच में होगा, जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड ऑन नेटफ्लिक्स एंड मार्क्स सिक्योर्ड बाय यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप नेटफ्लिक्स पर जितने ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतने ही कम मार्क्स आप सिक्योर करेंगे। अगर एक को आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। सो हियर यू कैन सी कि देयर इज एन ऑपोजिट मूवमेंट, कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, और एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। सो दिस इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशनशिप। अब बात करेंगे नो कोरिलेशन की। सो नो कोरिलेशन क्या होता है गाइस, जिनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता, एक की मूवमेंट से दूसरा अफेक्ट ही नहीं होता, जैसे कि नंबर ऑफ आइसक्रीम्स यू हैव इन अ डे एंड मार्क्स सिक्योर्ड। सो आप दिन में कितनी आइसक्रीम खाते हैं इसका आपके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। सो हियर यू कैन सी देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। सो गाइज अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, विच इज बेस्ड ऑन लिनियरिटी। सो लिनियरिटी का मतलब क्या है, कि कितने प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है वेरिएबल्स में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, कि जितना चेंज एक वेरिएबल में आया है उतना ही दूसरे में भी आया है। सो जो चेंज है दोनों के बीच का, दैट टेक्स प्लेस इन अ कॉन्स्टेंट रेशियो। जैसे कि आप यहाँ पे एक्स सीरीज और वाई सीरीज देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि 10 से 20 हुआ, उसके बाद 10 ट्रिपल होके 30 हुआ, फिर 10 फोर टाइम्स होके 40 हुआ। नाउ सिमिलर गोज फॉर वाई सीरीज, y सबसे पहले 20 से डबल होके 40 हुआ, 20 से ट्रिपल होके 60 हुआ, एंड देन 20 से फोर टाइम्स होके 80 हुआ। सो दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप। आप देख रहे हैं कि जितना चेंज x में आ रहा है
उसी रेशियो का चेंज y में भी आ रहा है। अब बात करते हैं नॉन लीनियर की। सो जहां पे ये लीनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये प्रोपोर्शन नहीं होता है, अगर एक डबल हो रहा है तो दूसरा ट्रिपल भी हो सकता है, फोर टाइम्स भी हो सकता है, सो दिस इज नोन एज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। सो अब हम देखेंगे कि आप कोरिलेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं। कोरिलेशन मेजर करने के लिए हमारे पास काफी सारे टूल्स होते हैं। सो नंबर फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है गाइस? आप अपने सारे डेटा सेट्स को एक्स और वाई के पेयर्स बना के एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और उसके बाद जो भी शेप आपके ग्राफ की आती है उससे हम एनालाइज करते हैं कि किस टाइप का रिलेशनशिप है बिटवीन दी वेरिएबल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादातर लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में, दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। एंड अगर ये लाइन टेंड कर रही है टुवर्ड्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है लाइन। सो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये लाइन से थोड़ा दूर दूर है, दैट मीन्स देयर इज अ वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम गोज फॉर नेगेटिव कोरिलेशन, यहाँ भी आप स्ट्रॉन्ग और वीक को देख सकते हैं। एंड कैसे पता चला कि ये नेगेटिव है? बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइन की जो मूवमेंट है दैट इज टेंडिंग डाउनवर्ड्स। उसके बाद आपको मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप भी दे रखा है एंड एट लास्ट आपको दिया गया है नो कोरिलेशन। तो नो कोरिलेशन का मतलब क्या है? कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कोई भी लाइन नजर आ रही है, कोई भी शेप या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? नो। सो ये काफी रैंडम प्लॉटिंग हुई है, तो दैट मींस देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन देम। सो नाउ लेट्स सी कि आप मेजर कैसे कर सकते हैं कोरिलेशन को। सबसे पहले हमारे पास एक कार्ल पियर्सन का मेथड है जिससे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेजर कर सकते हैं। सो आर को आप कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है, आपको एक्स वाई का प्रोडक्ट लेना है। सो गाइस यहाँ पर ये एक्स वाई आपकी सीरीज नहीं है, एक्स रेफर्स टू द स्मॉल एक्स विच इज the deviation of x values from their mean, same goes for y. So x basically क्या है? deviation, और y क्या है? y की deviation. तो आपको इनका product लेना है upon, अब denominator के लिए आपको क्या करना है? दोनों ही series को square करना है, उनका summation लेना है, उन्हें multiply करना है और उसके बाद आपको उन्हें under root कर देना है. So this is how you can find r through Carl Pearson's coefficient of correlation. So यहाँ पर आप correlation की properties देख सकते हैं। So अगर r 1 है, that means there is a perfect positive correlation. r की value minus 1 है, that means there is a perfect negative correlation. और r की value हमेशा lie करेगी between minus 1 to positive 1. और अगर r 0 है, that means there is no correlation. So coefficient of correlation जो होता है, वो independent होता है origin का भी and scale का भी. So इसका मतलब क्या है? ओरिजिन के केस में अगर आप प्लस माइनस कर देते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस में कोई भी कांस्टेंट टर्म को, तो उससे आपके आर को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आर सेम रहेगा। एंड स्केल के केस में क्या होता है? अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से, देन ऑल्सो योर आर वोंट गेट अफेक्टेड। सो गाइज मैं आपको फिर से ये बात बोल रही हूँ कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है हर स्टैटिस्टिकल मेजर की। सो अब बात करेंगे प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो प्रोबेबल एरर का मतलब क्या होता है गाइस? हमने देखा कि हमारे पास एक एरर वैल्यू आती है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिविएशन। सो ये डिविएशन कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, बेसिकली इस डिविएशन का डिस्पर्जन कितना है, वो मेजर करने में हमें हेल्प करता है प्रोबेबल एरर। सो इट हेल्प्स अस टू टेस्ट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको आप निकाल कैसे सकते हैं? प्रोबेबल एरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यू कैन मल्टीप्लाई 0.6745 बाय दिस वैल्यू, जहां पे आर आपका है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एन आपका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो गाइस अगर आपका जो आर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो इस प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से भी ज्यादा है, इसके 6 टाइम्स को एक्सीड करता है, देन इट मींस कि आपका जो आर है वो हाईली स्ट्रॉन्ग है और हाईली सिग्निफिकेंट है। बट अगर आर पीई से भी कम है तो इट इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट। सो आप कॉन्स्टेंट कॉन्फिडेंस लिमिट्स भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में अपने प्रोबेबल एरर को प्लस माइनस करना है, जिससे आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। सो गाइज यहाँ पर आप वो कंडीशंस देख सकते हैं जिसके अंडर प्रोबेबल एरर यूज हो सकता है। सबसे पहले डेटा जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, बेल शेप कर्व होना चाहिए, और प्रोबेबल एरर को हम जिस भी स्टैटिस्टिकल मेजर से कंप्यूट करेंगे वो सैंपल से लिया गया होना चाहिए, और सैंपल के जो आइटम्स हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाना चाहिए एक अनबायस्ड मैनर में, कि एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन को हैम्पर नहीं करता है। सो अब बात करेंगे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। सो गाइस अभी तो हमने जाना कि आपके पास अगर दो सीरीज गिवन है या डेटा गिवन है तो आप कैसे उन दोनों के बीच का कोरिलेशन निकाल सकते हैं। बट लेट्स से यही डेटा आपको गिवन है रैंक फॉर्म में या फिर ऑर्डिनल फॉर्म में, तो फिर आप कैसे निकालेंगे इनका कोरिलेशन?
आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए. आपको एन चाहिए विच इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यू हैव, और चाहिए डी का स्क्वायर. सो गाइज डी इज डिविएशंस, मतलब आपको जो भी दोनों सीरीज दी गई हैं एक्स और वाई ऑर्डिनल फॉर्म में, आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. आप एक्स माइनस वाई भी निकाल सकते हैं और वाई माइनस एक्स भी निकाल सकते हैं. तो डी की ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी और उसके बाद आप इनका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद इनका सबमिशन लेंगे और यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे. तो यहाँ पर आप इन आर की वैल्यू का एनालिसिस देख सकते हैं. सो गाइज यहाँ पर आपके पास किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सबसे पहले हो सकता है आपको एक्चुअल रैंक्स गिवन हो, फिर तो आप जो मेथड हमने अभी डिस्कस किया उसे यूज कर सकते हैं. हो सकता है आपको रैंक्स गिवन ही ना हो और आपको बोला जाए कि आपको स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड ही लगाना है. वहां पे आप क्या करेंगे, आप डेटा को रैंक्स अपने हिसाब से देंगे. लेट्स से अगर आपको टेस्ट स्कोर्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के, तो जिसका स्कोर सबसे ज्यादा है आप उसे फर्स्ट रैंक दे देंगे, उससे कम वाले को सेकंड. आप ऐसे रैंक्स दे सकते हैं और जहां पे टाई हो रहा हो तो दोनों रैंक्स का एवरेज कर लेंगे. जैसे कि लेट्स से दो स्टूडेंट्स हैं जो कि थर्ड रैंक ले रहे हैं, तो फिर आप एक को थर्ड और एक को फोर्थ देने की बजाय दोनों को रैंक्स को एवरेज आउट कर लेंगे और दोनों को 3.5 रैंक दे देंगे. बट उसके बाद आप फोर्थ रैंक किसी भी नहीं देंगे और डायरेक्टली फिफ्थ रैंक को अलॉट करेंगे. सो यहाँ पे आपका एक रेपिटेशन आ रहा है या फिर रैंक्स टाई हो रही हैं. बट गाइज आप जो भी ऑर्डर यूज करें आप दोनों सीरीज में उसको सेम रखें. अगर आपको दो क्लासेस के स्कोर्स दे रखे हैं, लेट्स से 8A और 8B के टेस्ट स्कोर्स आपको दिए गए हैं, सो अगर 8A में आप हाईएस्ट स्कोर करने वाले को फर्स्ट रैंक दे रहे हैं तो 8B में भी आप ऐसा करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8B में आप लोएस्ट रैंकर को फर्स्ट स्कोर दे रहे हैं. सो जो भी ऑर्डर आप सेलेक्ट करें जस्ट कीप कॉन्स्टेंट दैट ऑर्डर. और जहां पे आपकी इक्वल रैंक्स आ रही हैं या टाई हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया जहां पे 3.5 जैसी रैंक्स आ रही हैं, वहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए. सो गाइज अब हम बात करेंगे रिग्रेशन की. रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने जाना कि कोएफिशिएंट जो है वो हमें हेल्प करता है ये देखने में कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, किस डिग्री और किस डायरेक्शन का रिलेशनशिप है. बट गाइज क्या आप एक की वैल्यू को यूज करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं कोरिलेशन के यूज से? नो, उसके लिए आपको यूज करना होगा रिग्रेशन. सो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन में हम अपने दोनों सीरीज एक्स और वाई, सो इसमें से हम एक को कैटेगराइज करते हैं एज डिपेंडेंट एंड दूसरे को बोलते हैं इनडिपेंडेंट. सो जो डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इनडिपेंडेंट वाले पे. सो अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. और इस इक्वेशन के यूज से हमें जो वैल्यूज गिवन होती हैं, हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होती हैं, उसकी हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को फोरकास्ट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट रिग्रेशन इज. सो ये जो गाइज ये जो मैंने आपसे इक्वेशन की बात की, ये इक्वेशन है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो आपके सारे डेटा सेट्स के पॉइंट्स के सबसे क्लोज है. लेट्स से यहाँ पे आपके डेटा प्लॉटेड है और यहाँ से एक लाइन जा रही है बीच में. सो ये जो लाइन है ये डिविएशंस को मिनिमाइज करती है और इसे बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट. सो इसी लाइन की इक्वेशन होती है दैट पोजेस एज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिग्रेशन इक्वेशंस दी हुई हैं. सो गाइस रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए एक नॉर्मल अप्रोच होती है और एक ऑल्टरनेट अप्रोच होती है. सो यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट अप्रोच की इक्वेशंस दी गई हैं, ये वाली और ये वाली. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दोनों सीरीज के मीन्स की जरूरत है और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की जरूरत है. सो ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है गाइस, ये आपके पास एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है या मेजर है जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. सो यहाँ पर आप इन्हें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी देख सकते हैं. सो आप इन फॉर्मूलाज की हेल्प से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उसके बाद उन्हें इस इक्वेशंस में पुट करके एक्स और वाई के बीच की इक्वेशन निकाल सकते हैं और उससे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन वैल्यूज का यूज करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को फोरकास्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो सेट्स ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं. दो क्यों, क्योंकि गाइस पहले वाले में विच इज रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, हम वाई को कंसिडर करते हैं एज डिपेंडेंट और x को कंसिडर करते हैं एज इंडिपेंडेंट. Whereas रिग्रेशन ऑफ x ऑन y में हम x को कंसिडर करते हैं एज डिपेंडेंट और y को कंसिडर करते हैं एज इंडिपेंडेंट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज. आपका जो r होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ
रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. सो इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट है ये 1 को एक्सीड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप. इसको हम स्लोप कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. सो गाइज एक बात ध्यान रखने वाली है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई इन दोनों की ही साइंस या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे. सो अगर दोनों के साइंस पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है कि आर भी पॉजिटिव है, और दोनों के ही साइंस नेगेटिव हैं तो इसका मतलब क्या है कि आर भी नेगेटिव है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.